Good evening, all of the students. Myself, Dr. Yogesh Chand Yadav, and I working as associate professor in Uttar Pradesh University of Medical Science, SAFI. I also work as a nodal officer of scholarship. Then I would like to discuss about how to fill the scholarship form and what is the different rules and regulation you should need to remember during the scholarship form. तो आपको समझने के लिए मैं इसको हिंदी में अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आप जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो वो इतने उसमें कोई त्रुटि ना हो और जिससे कि आपको सही समय से आपको स्कॉलरशिप प्राप्त हो। तो ये जो वित्तीय वर्ष 2022-23 जो शैक्षिक सत्र है इसके लिए आवेदन आपको अप्लाई करना है। तो इसका आवेदन जो स्टार्ट हुआ है 8 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गया है जिसकी लास्ट डेट 7 नवंबर 2022 है। मतलब इसके अप टू 7 नवंबर तक आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो उसके बाद 3 दिन का टाइम देते हैं जिसमें वेरीफाई होता है आप जो भी भरे हो और उसके बाद आप 3 दिन के बाद प्रिंट आउट निकाल के इंस्टीट्यूट में सबमिट करना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाता है वो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। ये मेनली 2 टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। पहला एक रिन्यूअल, एक नवनीकरण होता है। जैसे फ्रेश फॉर्म भरते हैं, एक रिन्यूअल होता है। फ्रेश का मतलब होता है जो कैंडिडेट अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म भरा नहीं जाता है, फर्स्ट टाइम भरता है तो फ्रेश एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए करता है। और नवनीकरण का मतलब, रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि एक बार फ्रेश फॉर्म भर दिया, स्कॉलरशिप मिल गई या बाय चांस नहीं मिली तब भी आपको दूसरी बार स्कॉलरशिप भरना है एप्लीकेशन दूसरे साथ के, तब उसको नवनीकरण, तब उसको रिन्यूअल करते हैं, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो 11th 12th हो या 10th-10th मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे टेक्निकल हो, चाहे बीए बीएससी हो या प्रोफेशनल कोर्स हो, सब में भरने के लिए कुछ प्रमाण पत्र लगते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जनरल एंड ओबीसी की आय जो है, जो इनकम है वो 2 लाख या 2 लाख से कम होना चाहिए तो वो एलिजिबल है, और एसटीएससी का 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होना चाहिए तो वो एलिजिबल है स्कॉलरशिप भरने के साथ। इसमें आपको और बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप फॉर्म जो भरते हैं तो इसमें जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तीनों होना चाहिए, मस्ट है। उसके साथ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और जो है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आए हो उसका भी डिटेल हो, फॉर्म भरते समय, फ्रेश फॉर्म भरते समय मांगता है, तो उसको आप विधिवत रूप से आप ये सब इंक्लूड करना आपको मस्ट है। अब बच्चे जैसे जैसे फ्रेश भर रहा है, 12th पास करके ग्रेजुएशन लेवल में आया है तो वो तो 12 हाई स्कूल का 12th का मार्क्स भरेगा, और डेट ऑफ बर्थ आप सब लोग जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है हाई स्कूल में जो डेट ऑफ मेंशन होती है उसी बेस पे वो भरता है। तो ये दोनों आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सभी प्रमाण पत्र साथ में लगाना है। कौन कौन सा लगाना है? फर्स्ट जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का अकाउंट का फोटोकॉपी होना चाहिए, साथ में जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र करंट ईयर का हो या मिनिमम 3 इयर्स के करंट ईयर का हो, मतलब 3 इयर्स के बाद का नहीं होना चाहिए। जात प्रमाण पत्र, आधार, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ बैंक डिटेल और आधार कार्ड आपको बता दिया। और इसके अलावा जो और नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, निवास, वो सब इंक्लूड करके आप सब पे फोटो कॉपी पे सिग्नेचर करके और उसमें फॉर्म में टिक कर दिया होता है, सब प्रमाण पत्र को टिक करते हुए फॉर्म को उसको आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। और जो बच्चे नवनीकरण करते हैं मतलब रिन्यूअल करते हैं तो रिन्यूअल में आपको ज्यादा कुछ नहीं भरना होता है, सब फ्रेश भरा जाता है, वही सब आ जाता है। लेकिन आपका इनवॉल्वमेंट नंबर
जो इनवॉल्वमेंट नंबर जो होता है वो नवीनीकरण में आप भरते हैं। फेस भरेंगे फर्स्ट ईयर में तो इसका कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन सेकेंड ईयर में आप चले गए तो इसकी जरूरत है। इनवॉल्वमेंट नंबर आपको भरना होगा, साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ईयर वाइज स्कॉलरशिप मिलती है, एक ईयर में एक बार मिलती है। तो आपको ईयर वाइज कोर्स है तो आपका पूरा रिजल्ट आने के, यदि सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका रिजल्ट दोनों सेमेस्टर का इंक्लूड करके भरना है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, सेकेंड का नहीं आया तो रिजल्ट ना डिक्लेयर में भरते हैं यदि एग्जाम हो गया है तो, नहीं तो दोनों सेमेस्टर का इंक्लूड करके भरते हैं। अच्छा, आपको ये समझना है कि ये जो फॉर्म अप्लाई करते हैं इसमें एक तो उत्तीर्ण का रहता है, मानो पास हो या पास प्रमोटेड विथ मार्क्स हो या रिजल्ट नॉट डिक्लेयर हो, ये तीन तीन सिस्टम में आवेदन को फिल करते हैं रिन्यूअल। ठीक है, फ्रेश में तो आप पास होके आए रहते हैं कॉम्पिटिशन देखे तो इसमें ये सब नहीं रहता, लेकिन आप रिन्यूअल जब करते हैं तो आपका तीनों में से एक क्राइटेरिया होना मस्ट है, और साथ साथ में 75% अटेंडेंस भी भरते हैं उसमें, साथ में वो करते हैं उसके बिहार पे वो इवेल्यूएट किया जाता है संस्थान द्वारा। तो आपको पास है तब तो ठीक है, अगर प्रमोटेड है विथ मार्क्स तभी ठीक है, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर है तब भी आप भर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसका जो जब संशोधन टाइम आता है, जैसे मान लो कि आपने भर दिया पूरा फॉर्म, 3 दिन वेट किया, आप जो करेक्शन क्रस्कन कर दिया, फिर अपलोड करके और अपलोड करके प्रिंट ले लिया, प्रिंट लेके सभी दस्तावेज जो भी सपोर्टिंग है उसको लगा के सिस्टम संस्थान में जमा कर दिया, तो 7 लास्ट डेट है, 7 तक आपको भर देना है, और 3 दिन बाद में 10 तारीख को आपको प्रिंट आउट लेके संस्था संस्थान में सबमिट कर देना है। और शिक्षक जो जो संस्थान है आपका इंस्टीट्यूट है उससे ये फॉर्म जो है 10 से 15 के बीच में इवेल्युएट करके और उसको इवेल्युएट करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो कि जिला से स्कॉलरशिप में चला जाता है, मतलब शिक्षा जो समाज कल्याण जिले समाज कल्याण पे चला जाता है, वहां पे वो मार्क्स इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद उसमें कोई करेक्शन होता है तो करेक्शन आपको दोबारा शिक्षा संस्थान में भेजते हैं और स्टूडेंट के पास भेजते हैं, तो स्टूडेंट उसको करेक्ट करता है। तो जो संशोधन का टाइम दिया गया है अकॉर्डिंग टू जो गजट है नोटिफिकेशन आया है वो 2 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में अब इसका टाइम है, उस समय आपके पास जो भी करेक्शन होगा वो आप स्टूडेंट के पास आएगा, उसको स्टूडेंट करेक्ट करेगा, और करेक्ट करने के बाद वो जो प्रिंट आउट लेके शिक्षण संस्थान में उसको जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वहां पे जो है ऑफिस में वो जमा करेगा, और उसको इवेल्युएट करते हुए जो शिक्षण संस्थान के अधिकारी होंगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। यदि वो फॉरवर्ड कर देते हैं तो यदि आपका करेक्ट है फॉरवर्ड करते हैं तो आपका तो सही है स्कॉलरशिप वो मिलेगा उसके हिसाब से, यदि बाय चांस आपने करेक्शन रिजल्ट नहीं आ पाया करेक्शन नहीं कर पाए तो वो निरस्त माना जाएगा। बाय चांस आपने भर भी दिया है सब कुछ सही है और शिक्षा साहब जमा है और बाय चांस किसी वजह से शिक्षा साहब ने फॉरवर्ड नहीं किया तब भी आपका आवेदन निरस्त माना जाता है और स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये तो हुआ आपका ये डिटेल कि आपको कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, कब उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, शिक्षण संस्थान में जमा करना है, रिजल्ट कैसा होना चाहिए 3 कदम में, और अटेंडेंस की बात आ गई। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत बड़ा इशू है कि सब कुछ सही होते हुए भी आपका कभी कभी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है, एक्सपीरियंस किया गया है कि स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है, इसका रीजन क्या है? तो ये एक बैंक का एक फैक्टर होता है, जिसमें बैंक में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उस प्रोसीजर में आपको ध्यान देना है कि बैंक में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला तो बैंकिंग आउट, नेशनलाइज बैंक में आपका अकाउंट हो, लेन देन रूटीन वाइज उसमें चलता रहे। दूसरा एक बात आता है कि बैंक के अकाउंट से आपका आधार लिंक होना चाहिए, जिसको बैंक अकाउंट सीडिंग बोलते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट सीडिंग बोलते हैं, वो लिंक होना चाहिए, यदि वो लिंक है तो उसके बाद एक और प्रोसीजर अकाउंट मैपिंग का आता है, जो ये NCPI होता है, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, इससे एक मैपिंग होना मस्ट होता है।
आज का करंट इस वक्त, इसके पहले आपको ये नहीं था कि मैपिंग कराना है और मैपिंग कराना जरूरी है, समझ रहे? लेकिन अभी ये इस वित्तीय वर्ष में जो बच्चे स्कॉलरशिप बनेंगे तो उसको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो। दूसरा ये ध्यान देना है कि NPCI से आपका मैपिंग अकाउंट से आपका मैपिंग होना चाहिए। अब इसमें अब सब लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द अकाउंट सीडिंग। तो अकाउंट सीडिंग क्या है? तो अकाउंट सीडिंग आधार जो है, आपका आधार की नंबर जो है यदि बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो अकाउंट सीडिंग बोला जाता है, ठीक है। और मैपिंग में वो जो है, वो मैपिंग जो नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया से वो मैपिंग कर देता है, जिससे आपका डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आपको ध्यान देना कि ये दो प्रोसीजर आप यदि नहीं कर पाए और बाई चांस आपका ट्रांसफर पैसा होते समय यदि रुक गया तो आपको दोबारा कोई ऐसा प्रोसीजर दोबारा और ट्रांसफर किया जाए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो स्पष्ट मेंशन है कि एक बार ट्रांसफर यदि फेल हो गया, आपका फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो दूसरी बार ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको मस्ट है कि ये आप दोनों चीज, एक सीडिंग का और एक जो मैपिंग का, आपको कराना मस्ट है, जो बैंक अकाउंट पे आपके बैंक से जाके आपको करवा सकते हैं। अब कभी कभी होता है कि ये डी सीडिंग क्या है, रीजन ऑफ डी सीडिंग ऑफ योर अकाउंट, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन इसका, डी सीडिंग का मतलब आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, मैपिंग नहीं है। तो कैसे ये होता है? देखो, पहले अकाउंट जो है क्लोज बीच में नहीं होना चाहिए, लेन देन प्रॉपर होना चाहिए, नेशनलाइज बैंक से होना चाहिए, ये आपको रेगुलरली होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि अकाउंट होल्डर एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, जो अकाउंट होल्डर बाय चांस ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि कस्टमर इंसॉल्वेंट या कस्टमर होल्डर, इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जो है किसी बैंक के जो है आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से आपका कोई बिल जमा नहीं हो पा रहा है, तो बैंक में ये गलत फीडबैक जाता है, इसको अकाउंट कस्टमर इंसॉल्वेंट बोलते हैं, समझ गए। तो इसमें आपका प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, कोई भी बिल आप लोन लिए हो, चाहे कोई बिल बैंक द्वारा पेमेंट होता हो रेगुलरली मंथली, तो वो प्रॉपर रेगुलरली होते रहना चाहिए। यदि बाय चांस ये बिल किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के, फाइनेंशियल कमी के, पैसे की कमी की वजह से ये बिल नहीं ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अकाउंट है वो इंसॉल्वेंट के कंडीशन में आ जाता है और उस समय भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो नेम ऑफ बैंक का जो मिसमैच नेम नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो बेनिफिशियल जो है एलिजिबल रिव्यू जो है आपका होते हुए अकाउंट क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा लेजिस्लेशन एक आता है, लेजिस्लेशन का मतलब हो कि आपके जो स्टूडेंट है उसके अकाउंट से कोई भी जो है ऐसा कोई उस पर केस ना हो, अकाउंट पे लेन देन में कोई केस फाइनेंशियली या कोर्ट द्वारा कोई केस नहीं, लीगली कोई केस नहीं किया गया हो, तो लीगलाइजेशन ये भी प्रॉपर अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि ये डिस्टर्ब हुआ तो आपका जो है ये डिसेंडिंग के बीच में आपका अकाउंट आता है, और इसमें यदि डिसेंडिंग में आ गया तो आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, फंड है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो आपको इसको बीच बीच में बार बार ध्यान देना चाहिए कि आपका जो है प्रॉपर लिंक हो, मैपिंग हो, सीडिंग हो, रेगुलर ट्रांसफर हो, नेशनलाइज बैंक हो, और कोई उसमें बिल आपका पेमेंट हो कभी रुके ना, या अदर अलग से अकाउंट खोलो जिसमें कोई ऐसी पेमेंट का झंझट ना रहे, रेगुलर आप लेते रहो और कोई इसमें केस ना हो। अगर ये सब प्रॉपर है तो बैंक में आपका इवन टाइम ट्रांसफर होगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि ये सब होते हुए भी कंफ्यूजन होता है कि पैसा नहीं आया, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट है, इस कंडीशन में होता है। इस कंडीशन में आपको बताता हूँ कि ओबीसी जनरल और एसटीएससी का तीनों का डिपार्टमेंट एक फंडिंग का अलग अलग होता है, और ये फंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ जो है जिसका एप्लीकेशन पहले भेजा गया है और उसके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। बाय चांस यदि फंड जितना प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है
और उसमें यदि जो टॉप स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज भी ज्यादा है, सब क्राइटेरिया भी फिल कर रहा है, फर्स्ट क्लास पास है, तो अगर जिसका पास है उनको पहले प्राथमिकता देते हुए पैसा भेजा जाता है, ट्रांसफर फंड ट्रांसफर करते हैं। यदि बाय चांस लास्ट में फंड खत्म हो जाता है और आपका मेरिट या मार्क्स कम है तो लास्ट में पैसा खत्म हो जाता है, जो सब कुछ अच्छा हुआ होते हुए भी पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, नहीं आता, क्योंकि फंड नहीं है। जिसको जाना था उन पापा सभी लोगों को चला गया है। तो आपको अपने मार्क्स पे परसेंटेज पे भी ध्यान देना है। परसेंटेज जितना अच्छा होगा, जितना आप अच्छे से मार्क्स पाए रहोगे, तो आपको ये स्कॉलरशिप पहले प्राथमिकता दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो पहले आपको मिल जाता है, वो फंड पे डिपेंड होता है। तो इसको आपको ध्यान देना कि आपके पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, आप हायर परसेंटेज भी लाए, और ये सब अकाउंट देखते हुए आप अच्छे से एप्लीकेशन पर टाइमली फिल करें, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा फिल करेंगे। तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के सभी नोडल ऑफिसर जैसे हम सब लोग इसको करते हैं। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। जो आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में भेज के, मेरे यूट्यूब चैनल जो है इसमें आप भेज सकते हैं, मैं और जानकारी इसको रेगुलर दूंगा। आपका मैं विश करता हूँ कि आपको टाइमली स्कॉलरशिप मिल सके। थैंक यू फॉर अटेंशन।